हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फिदा और मेरे साथ है कल्याण जी जाना, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड जो अभी इसी महीने में होने जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। क्या क्या तैयारी हो रही है, क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सोहेल भाई को, जो बड़े बड़े स्टार बड़े बड़े सुपरस्टार का आप इंटरव्यू लेते हो। आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको, मैं नमन करता हूँ। इज़ द वेरी बेस्ट टैलेंटेड सीनियर रिपोर्टर इस हमारी इंडस्ट्री के, एंड थैंक यू सो मच। आपको मैंने बहुत सारे अवार्ड दिया है और इस साल भी आपको मिल रहा है COVID-19 योद्धा अवार्ड, मैं भाई को दे रहा हूँ 23 तारीख को। थैंक यू। जैसे आपने, मैं लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ जी। खास करके जो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या क्या है आपके प्लान्स हैं इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म देना, समथिंग अबाउट लाइक क्या आपके प्लान्स हैं? हाँ, बेसिकली प्लानिंग मेरा एक ही है, जो भाई हमारे जो इंडस्ट्री है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, तो मैं चाहता हूँ ये सब साथ रहे और रहेगा। इसको जो भाग किया जा रहा है, दो भाग किया जा रहा है। देखो, ये सोहेल भाई है, ये एक मुसलमान है, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन हम लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं, हम लोग साथ में रोज़ा खोलते हैं हमारे शूटिंग में, हम लोग साथ में गणपति अप्पा मोरिया बोलते हैं, तो भेदभाव क्यों है? तो ये हमें नहीं करना है। और एक इंडस्ट्री के लिए जो तमाम जो आदर्श नगर बोल के जगह है हमारा अंधेरी में, वहाँ पर हम लोग भंडारा शुरू कर रहे हैं। जो कलाकार के पास अनाज नहीं है, खाना नहीं है, आप रोज़ 12 बजे आओ, खाना खाओ और जाओ। वो तमाम और जो परिवार में अनाज नहीं है, हमें बताओ, हम अनाज ला के दे रहे हैं आपको। दवाई नहीं है, दवाई हम देंगे। घर में दूध नहीं है, हम ला के देंगे। गैस ख़त्म हो गया, हम ला के देंगे। लेकिन आप प्लीज़, आप तो बोलो तो सही कम से कम। आप जब बोलोगे नहीं, शर्म करोगे तो कैसे होगा? आप सभी से निवेदन है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं करने वाला हूँ। तो जो भी व्यक्ति को अनाज का दवाई का तकलीफ है, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको घर तक आपको छोड़ के आएंगे। इस लॉकडाउन में बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप बोलते नहीं हो, बोलिए। एंड थैंक यू सो मच, आप तमाम मीडिया आज आए हैं। दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म जो मेरे शो होने जा रहा है 23 तारीख और 24 को ग्रैंड पेनिनसुला होटल में, अंधेरी शाकिनाका में, मैं सभी से निमंत्रण करता हूँ, सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग आइए और शो को सक्सेस बनाइए और दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। 23 को मॉर्निंग में हो रहा है DPIAF इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो पहली बार हो रहा है। DPIAF COVID-19 योद्धा अवार्ड, जो योद्धा की तरह काम किया इस COVID-19 में, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और 24 को हो रहा है दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स, तो प्लीज़ आप लोग आप दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच तमाम जितने भी हमारे मेंबर हैं, एसोसिएट है, और साथ में हमारे एंकर अमन वर्मा और सिमरन आहूजा। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा शो को एंकरिंग करने जा रहे हैं, और साथ में तमाम मीडिया, मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना, जो मेरा लवली वाइफ है, क्योंकि वाइफ के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि घर में कभी भी जाओ 3 बजे 2 बजे उठ के गर्म खाना को गर्म करके वो खिलाती है मुझे। एंड थैंक यू, लव यू अंकिता, एंड लव यू माय पिता माता जो मेरे गांव में है, उनकी आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ में है। एंड लव यू माय ब्रदर, माय बिग ब्रदर सोहेल भाई। अच्छा कलंगी जाना, आपकी कुछ अदर प्लान्स भी है, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक्चुअली, यस यस यस, उनके स्टैच्यू के लिए, और ऐसे कुछ दूसरे भी मुद्दे हैं जो आप लेकर कुछ काम करना चाह रहे हो? हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं शॉर्ट एंड स्वीट में आप बताइए? हाँ, सबसे पहले मैं दादा साहेब फाल्के के नाम का एक जो मूर्ति है, वो मूर्ति मैं लेके आ रहा हूँ मैं 2021 में बांद्रा में, और उसके साथ साथ में दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड मिला, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसका दादा साहेब फाल्के के एक फ़ोटो आपकी जहाँ जहाँ शूटिंग हो रहा है वहाँ वहाँ उनका फ़ोटो होना चाहिए। जब फिल्म शुरू होता है तो भगवान को दिखाने के बाद, जन गण मन वंदना दिखाने के बाद दादा साहेब फाल्के का फ़ोटो होना चाहिए, और तमाम जितने भी गलत हो रहा है उनको हमें साफ करना है, जितने भी गलत हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में उनको हम साफ करना है। और उसके साथ साथ में KJ टॉकीज़ आ रहा है, मेरा OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है बहुत जल्द, KJ टिकटिक आ रहा है, KJ किडीज आ रहा है, KJ वाटर आ रहा है। KJ वाटर ऐसा है, इस 20 रुपये का वाटर में आपको तुलसी का, जो तुलसी का स्वाद है, उसकी खुशबू है, वो आपको मिलेगा, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। KJ बॉडी स्प्रे आ रहा है, बहुत प्यारा बॉडी स्प्रे आपको मिलेंगे, सुबह लगाओ बॉडी स्प्रे में और शाम तक आपका खुशबू रहेगा। तो ये तमाम सारे चीज़ आ रहे हैं, लेकिन बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जैसा सीना ठोक के आपको मैं कह रहा हूँ, ऐसा सीना ठोक के आप लोग मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जितने भी सपने हैं और आप जो करना चाह रहे हो आप ऊँचाइए छुए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल व्हाटएवर यू डूइंग इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू सोल भाई।